नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में बात करेंगे पांच बेहतरीन वेबसाइट के बारे में, जिससे आप स्टॉक मार्केट के बारे में अपडेट रह सकते हैं, आप खुद से एनालाइज कर सकते हैं स्टॉक मार्केट को, साथ साथ किसी भी शेयर को, साथ ही साथ मार्केट का सेंटिमेंट अभी कैसा है, ग्लोबल मार्केट कैसा है, कौन सी कंपनियाँ बोनस दे रही है, कौन सी कंपनियाँ डिविडेंड दे रही है, कौन से कंपनी के रिजल्ट कैसा आया है, मतलब हर इन्फॉर्मेशन, कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी के टेक्निकल्स, मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन जो कि मैं खुद यूज करता हूं इन सभी साइट्स को। तो इन सभी साइट्स के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं, जो पांच वेबसाइट मैं रेगुलर रूप से यूज करता हूं किसी भी शेयर को एनालाइज करने में, मार्केट का एनालिसिस करने में। तो ये सबसे पहला है skinner.in। ये मेरा सबसे पहला वेबसाइट होता है जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं किसी भी शेयर को खोजने में, मतलब किसी भी प्रकार का शेयर आपको खोजना हो, किसी भी शेयर का एनालिसिस करना हो, उसका फंडामेंटल कैसा है। देखिए, यहाँ पर एक रेडीमेड रूप से हमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाता है। आप किसी भी शेयर का वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे, तो वो आपको एडवांस रूप से फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, तब आपको उस शेयर का वैल्यूएशन निकाल पाएंगे। तो यहाँ रेडीमेड रूप से सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें किसी भी शेयर के बारे में मिल जाते हैं। तो आप जैसे skinner.in आप ओपन करते हैं, तो यहाँ पर एक सर्च बार मिलता है, यहाँ पर जो भी शेयर आपको मतलब करना है उसको सर्च करना है। जैसे मैंने यस बैंक को सर्च करके यहां पर निकाला है, तो यहां पर सबसे पहले मार्केट कैप मिल जाएगा, यहां पर स्टॉक का पी मिल जाएगा, यहां प्राइस मिल जाएगा अभी क्या है स्टॉक का, यहां पर हाई लो मिल जाएगा जो वन ईयर का हाई लो है 52 वीक का, यहाँ पर डिविडेंड यील्ड मिल जाता है आपको, यहाँ बुक वैल्यू मिल जाता है, यहाँ रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड, रिटर्न ऑन इक्विटी और फेस वैल्यू। उसके बाद ये सारे जो आप देख रहे हैं ये सब आपको ऐड करना होता है, आप जो जो चीज़ ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो हमने जितना मैक्सिमम कॉलम हो सकता है, मैक्सिमम रो हो सकता है, वो ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर ऐड करके तो हम नहीं दिखा सकते, आपको जो भी ऐड करना है यहाँ सर्च बार में आपको लिखना है। जैसे आपको प्रॉफिट ऐड करना है तो यहाँ प्रॉफिट लिखेंगे तो ये प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पर जैसे प्रॉफिट ग्रोथ, प्रमोटर्स होल्डिंग, प्रॉफिट ग्रोथ थ्री इयर्स, जो भी ऐड करना है उस पर क्लिक करेंगे ऐड हो जाएगा। मेरा मैक्सिमम ऐड हुआ है कॉलम, तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि मेरे में कि अपग्रेड टू प्रीमियम, जैसे थ्री इयर्स के प्रॉफिट ग्रोथ को यहाँ पर हम ऐड करना चाहेंगे तो मेरा नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो कॉलम ऐड हो सकता है मैंने ऐड कर दिया है। तो इस तरह से skinner.in का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप चार्ट भी देख सकते हैं, लेकिन चार्ट के लिए आपको दूसरा हम वेबसाइट बताएंगे। यहाँ पर एनालिसिस देख सकते हैं, प्रोज कॉन्स क्या है, इसमें एक भी देख सकते हैं पॉजिटिव चीज़ें एस बैंक में नहीं है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर इसी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें एक भी पॉजिटिव बातें नहीं है। फिर यहाँ पर पीयर्स देख सकते हैं कि अलग अलग बैंक जो है उससे कंपेयर कर सकते हैं, किसका मार्केट कैप कितना है, पी कितना है, आरओसी कितना है, डेट कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है, प्रमोटर्स होल्डिंग कितना है, कितना प्रमोटर्स होल्डिंग प्लेज है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखते हैं। फिर यहाँ क्वार्टर प्रॉफिट कितना है, एनुअल प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ग्रो हुआ है या डिक्रीज हुआ है, बैलेंस शीट देख सकते हैं जो रेडीमेड रूप से बैलेंस शीट मिल जाता है, इसमें आप जो भी कॉलम चाहें ऐड और कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, कैश फ्लो देख सकते हैं। फिर यहाँ पर डिफरेंट रेशियो देख सकते हैं, इसमें कम रेशियो दिखा रहा है, यहाँ पर बहुत सारे रेशियो आपको दूसरे कंपनी में दिखाएंगे। फिर यहाँ इन्वेस्टर सेक्शन जाके FIDI का कितना स्टेक है, पब्लिक का कितना है, प्रमोटर का स्टेक कितना है, प्रमोटर कौन है, ये सारी चीज़ देख सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट्स पर जाएंगे, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट आप यहाँ पर से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, यहाँ पर कंपनी का जो रिजल्ट आया है वो देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो वेबसाइट है वो है टिकर टेप, इसका आप यूज कर सकते हैं किसी भी स्टॉक को। यहाँ पर चार्ट थोड़ा सा skinner.in से अच्छा मिल जाता है, लेकिन हम चार्ट के लिए आपको एक बेहतरीन वेबसाइट बताएंगे जो पांचवा वेबसाइट होगा, जो कि वीडियो के लास्ट में आएगा, जहाँ पर आप चार्ट को अच्छे से देख सकते हैं। अब यहाँ पर भी आपको इस किसी भी शेयर को एनालाइज करना है, तो यहाँ पर इस शेयर का नाम लिखना है और सारे इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है थोड़ा और अच्छे से रेडीमेड मिलता है, लेकिन skinner.in पे वहाँ कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस आपको मिलता है, यहाँ पर आपको उतना नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी ये भी वेबसाइट अच्छा है, तो आप दो में से किसी एक का यूज कर सकते हैं या दोनों का यूज कर सकते हैं। हम तो दोनों का यूज करते हैं, जब जैसा काम पड़े वैसा यूज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्राइस मिल जाता है शेयर का कितना है, यहाँ पर वो जो शेयर सर्च करें उसका नाम यहाँ मिल जाएगा उस कंपनी का। फिर यहाँ पर आपको बहुत सारे ओवरव्यू मिल जाते हैं, नीचे जैसे आप क्लिक करेंगे इसको कर्सर को ले जाएंगे तो यहाँ पर कंपनी के बारे में जो की मैट्रिक्स है, यहाँ पर आपको जो एनालिस्ट है उनके रेटिंग मिल जाएंगे, कितने परसेंट एनालिस्ट
जो एनालिस्ट है, एक्सपर्ट हैं, वो बाय रेटिंग दे रहे हैं, कितने सेल दे रहे हैं, कंपनी के ब्रांड कौन कौन से हैं उसके बारे में मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर पीयर्स मिल जाएंगे आपको, और यहाँ पर फिर फाइनेंशियल ट्रेंड आपको यहाँ पर ग्राफ के रूप में मिल जाता है। skinner.in पे आपको नंबर में देखना होता है, यहाँ ग्राफ में भी मिल जाएगा। मतलब एक बार आप ग्राफ देखें तो फाइनेंशियल ट्रेंड आप पता कर सकते हैं कि रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो हर चीज़ें। फिर यहाँ पर कौन कौन से न्यूज़ है वो देख सकते हैं, और यहाँ साइड पर आपको इंटेंसिव वैल्यू जो है अभी का जो वैल्यू इंटेंसिव वैल्यू से ज़्यादा है या कम है वो देख सकते हैं, रेट जो FD से ज़्यादा रिटर्न दिया है या नहीं, डिविडेंड कितना देता है वो देख सकते हैं, एंट्री पॉइंट अभी जो है वो सही है या नहीं, और फिर इसमें क्या कंपनी में कोई रेड फ्लैग है वो देख सकते हैं। तो इस तरह से इस वेबसाइट पे भी काफ़ी चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पर फोरकास्ट में जाकर के आप डिटेल में अगर प्रीमियम इसका वर्सन लेते हैं तो फोरकास्ट में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, फिर फाइनेंशियल में जाकर के बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, प्रीमियम ग्रुप अगर आप लेते हैं इसका प्रीमियम वर्सन तो और ज़्यादा चीज़ें आपको दिखाएगा। फिर यहाँ पर प्रेस कंपेरिजन, फिर यहाँ होल्डिंग देख सकते हैं, फिर न्यूज और इवेंट जो भी रिलेटेड है इससे वो देख सकते हैं। अब वहीं हमने एक चीज़ आपको छोड़ दिया था यहाँ पर कि skinner.in पे कि बोनस शेयर और डिविडेंड कितना दे रहा है वो कहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ बैलेंस शीट पे क्लिक करेगा, बैलेंस शीट क्लिक करने के बाद कॉर्पोरेट एक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे कॉर्पोरेट एक्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ दिख जाएगा कि आपको डिविडेंड कब कब कंपनी दी है, फेस वैल्यू कब स्प्लिट किया है, बोनस शेयर कब दिया है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी 2005 से लेकर के अभी तक का करेंट जो भी दिया है। तो skinner.in पे यहाँ पर देखते हैं बोनस शेयर, और यहाँ पर टिकट टैप पर यहाँ पर आप इवेंट में जाएंगे तो यहाँ आपको दिखा देगा कि कौन कौन से कॉर्पोरेट एक्शन हो रहे हैं। यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन पर जाइएगा, डिविडेंड पर जाइएगा तो जो भी डिविडेंड अभी आया है वो दिखा देगा। तो ये इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पर नीचे आइएगा, देखिए डिविडेंड कब कब दिया है इस कंपनी ने, तो ये देख लीजिए इस तरह से टिकट टैप पे। उसके बाद अगला जो है तीसरा जो है वो स्टॉकेज। स्टॉकेज हमारे जो स्टॉक मार्केट के वेल नोन पर्सन है विवेक बजाज जी उनका है, आपको वो बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं जो आप यहाँ रेडीमेड रूप में आसानी से देख सकते हैं। इस डाटा को कलेक्ट करने में आपको काफ़ी कठिनाई आएगा अगर आप स्वयं से करते हैं, लेकिन यहाँ स्टॉकेज ऐप पर और स्टॉकेज वेबसाइट पर आपको रेडीमेड रूप में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। देखिए यहाँ FIs का आज एक्टिविटी क्या था, तो देखिए 2,890 करोड़ का सेलिंग किया है FIs ने यहाँ पर FI केस में। अब वहीं न्यूज़ और अपडेट्स, यहाँ पर न्यूज अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आज का जितना भी न्यूज़ होगा सारा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, रिजल्ट कौन आया है वो देख सकते हैं यहाँ पर, या अपडेट में बहुत सारे इसमें सारे मिक्स होंगे, जो न्यूज़ होगा, जो कंपनी का रिजल्ट होगा, हर चीज़ यहाँ पर मिक्स रूप से आपको सारी चीज़ें देखने मिल जाएगा। तो ये साइट काफ़ी बेहतरीन है किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। यहाँ पर फंडामेंटल से रिलेटेड क्या एक्टिविटी हो रहा है वो सारी मिल जाएंगी, और साथ साथ जो इन्वेस्टर सेक्शन में जाएंगे तो कौन कौन से बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनका क्या पोर्टफोलियो है वो देख सकते हैं, यहाँ IPO कौन सा आ रहा है वो देख सकते हैं, मतलब बहुत सारे यहाँ सेक्टर कौन कौन से हैं और सेक्टर में कौन से स्टॉक है वो देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे, जितना आप यूज करेंगे उतना धीरे धीरे सीखते जाएंगे। तो जब हम इसका इंडिविजुअल रिव्यू करेंगे इस ऐप का तो आपको डिटेल में बताएंगे यहाँ क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं फोर्थ वेबसाइट पर, ये है tradingview.com। देखिए चार्ट देखने के लिए सबसे बेहतरीन वेबसाइट है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अपने ब्रोकर में भी देख सकते हैं, जीरोधा जो है, एंजल जो है, अपस्टॉक जो है उसमें भी यूज करते हैं, तो इसी का चार्ट वहां पे भी दिखाता है, लेकिन कुछ सेकेंड वहां चार्ट आपको पीछे दिखेगा, मतलब कुछ पॉइंट में कुछ सेकेंड होगा, थोड़ा बहुत लैगिंग दिखता है, लेकिन यहाँ पर आपको चार्ट भी सुंदर दिखेगा, साथ साथ कोई लैगिंग भी नहीं होगा, और फ्री मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं, फ्री वर्सन इसका। तो यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पर, काफ़ी बेहतरीन चार्ट है, हम चार्ट यहीं पर प्रीफर करते हैं देखना, खास करके लाइव मार्केट में चार्ट देखना यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन है। तो आप यहाँ पर चार्ट को यूज कर सकते हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन, यहाँ पर आप एनालिसिस भी कर सकते हैं, चार्ट देखने में भी काफ़ी यहाँ पर बेहतरीन है। उसके बाद जो पाँचवा वेबसाइट है वो है investing.com। investing.com यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ग्लोबल मार्केट के इंडेक्स को देख सकते हैं, देखने का यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, जितना आप इस ऐप को यूज करेंगे उतना चीज़ें सीखेंगे, जितना इसके वेबसाइट यूज करेंगे उतना सीखेंगे, इसका ऐप और वेबसाइट दोनों उपलब्ध है। तो यहाँ पर खास करके जो मेजर इंडेक्स है यहाँ पर क्लिक कीजिए, पूरे ग्लोबल मार्केट का जो इंडेक्स है वो आपको एक जगह मिल जाता है जहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए ग्लोबल मार्केट इंडेक्स में निफ्टी आज हमारा
0.6% अप था। अब देखिए डॉ जॉन्स यहाँ पर 1% अप है, मतलब कल हमारा मार्केट जो है गैप अप ओपन होने वाला है। यहाँ से देखते हैं क्योंकि यहाँ देखिए बहुत सारे जो ग्लोबल इंडेक्स है वो अप है, मतलब जब ग्लोबल मार्केट पूरी तरह से सेंटिमेंट पॉजिटिव है तो निश्चित है हमारा मार्केट भी कल क्या होगा, पॉजिटिव ओपन होगा। और यहाँ से आप जब यहाँ पर आएंगे, अगर सारा का सारा मार्केट निगेटिव है तो हमारा भी मार्केट कल क्या ओपन होगा, निगेटिव, मतलब डाउन ओपन होगा। डाउन ओपन होने के बाद वहाँ पर जो बिहेवियर है, जो भी इन्वेस्टर और ट्रेडर है वो ऊपर लेके जाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे लेके जाएगा उसके बावजूद भी तो नीचे जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर मार्केट अगर सारे के सारे निगेटिव है तो हमारा ज़्यादातर पॉसिबिलिटी जो होता है वो गैप डाउन ओपन होने का होता है। मतलब डॉ जॉन्स को या कि ग्लोबल मार्केट को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता है, मार्केट जो है ग्लोबल मार्केट के अनुसार काफ़ी सेंसेटिव होता है, तो इसलिए ग्लोबल मार्केट के अनुसार हमारा मार्केट भी चलता है। तो ये पांच बेहतरीन वेबसाइट थे जिसका आप यूज कर सकते हैं अपने स्टॉक मार्केट के एनालिसिस में, स्टॉक मार्केट से अपडेट रहने में और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपने ज्ञान को बढ़ाने में। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए आगे भी लेकर आते रहेंगे, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।